हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका स्पेशल ड्रिंक चंपा चमेली एसीपी साहब। विजय तुम्हारा इंतजार है, चलो ड्रिंक लाओ। चले भाई गेम शुरू करते हैं। विजय पहले गेम नहीं पहले ड्रिंक ले लो ले लो ले लो। विजय इज नो मोर। ठीक है इतना टेढ़ा मत। ये कंफर्म है सर, मर चुका है सर, ही इज डेड। कौन हुआ है? सर अब तक सालों के साहब ने कुछ बताया नहीं सर। अच्छा क्यों भाई, सुना अब तक मुंह बंद करके रखा हुआ है? अरे सर अब आप आ गए तो सबकी बोलती तो बंद हो ही जाएगी ना सर। क्यों? क्योंकि आप आ जाते हैं तो किसी और को बोलने का चांस ही कहाँ मिलता है ना सर। अच्छा ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये मुर्दा ये क्या बोलेगा सर, सो गया जहर खा करके। हाँ सर ये देखिए, देखिए इसकी आंखें कितनी चौड़ी हो गई हैं दर्द की वजह से। सर कोई ऐसी चीज गई है इसके हलक के नीचे जिसकी वजह से इसकी गर्दन से लेकर के इसके पेट तक आग लग गई है, जलन हो गई है सर। अच्छा ही हुआ बदमाश आदमी था, खुद ही मर गया, छुटकारा मिल गया। मगर इसने ये आग लगने वाली चीज खाई क्यों? इसने नहीं खाई सर, ये इसे खिलाई गई है। इसने उन्होंने सर। ओ एसीपी साहब तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? सर मुझे इसने पार्टी में बुलाया था। अच्छा रेसिपी साहब गुलछर्रे उड़ाने आए थे। देखिए मैं यहाँ गुलछर्रे उड़ाने नहीं आया था सर। तो फिर मैं तो ये क्या है? ग्लव्स है। ग्लव्स? ये ग्लव्स क्यों पहन रखे? इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो बता रहा हूँ इन्हें। इन्वेस्टिगेशन चल रही है? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, यू आर ए सस्पेक्ट। क्या मैं सस्पेक्ट? पूरी दुनिया को मालूम है कि ये एक बदमाश है, नंबर वन का स्मगलर है। इसने बुलाया और आप भागे हुए चले आए मजे उड़ाने के लिए। मैं यहाँ ये देखने आया था कि पार्टी में क्या हो रहा है। पार्टी में हो क्या रहा है? अरे ये क्या, आंसुओं की नदी बह रही है। ये आपके रिश्तेदार थे? नहीं। तो फिर इतना क्यों रो रहे हो? ये मर गया, अब हमें कौन संभालेगा? हमें तो पैसे भी यही देता था हमारी ड्रेस वगैरह खरीदने के लिए। मेरा तो घर भी इन्हीं के पैसों से चलता था। अब हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? अरे होना क्या है, किसी और को फंसा लो, वहां जाके बहाना। मैंने आपको कहीं देखा है? जी सर मैं एक फिल्म एक्ट्रेस हूँ सर। ओ या फिल्म एक्ट्रेस, वो फ्लॉप फिल्म थी ना लावारिस, याद है? उसमें थी ना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
हा? आपके ऊपर भी इसके एहसान है क्या? जी हाँ सर, इसी ने मुझे फिल्म में ब्रेक दिया था और इसने आज मुझे फोन किया कि आज पार्टी के लिए आ जाओ और मैं आ गई। मैडम आपने बहुत पी रखी है। ओए, अपने काम से काम रख, समझो। कितने पैसे हुए तेरे? कितने पैसे हुए बता। 30 रुपए। चल निकल, चल फूट गया से। माया जी, आप फिल्म एक्ट्रेस माया है ना? जी। आप भी अभिजय की पार्टी में आई? हाँ, भाई तो है। आप? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। एसीपी? हाय सर। हेलो। ये राकेश है। एक्चुअली ना इन्होंने ही मुझे यहाँ लिफ्ट दिया। ओह अच्छा। हाय। हाय। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत जेंटल है। अच्छा। ओह वाओ। वैसे माया, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम इस पार्टी में अपने डेट के साथ आ रही हो। डेट? नहीं रे, ये तो ऐसे भी प्रद्युमन है। या, I'm sorry. Nice to meet you, sir. Same here. अब अंदर चलें। आइए। आज की इस महफिल के स्टार एसीपी प्रद्युमन, ये पासे, ये डाइसेस बताएंगी कि आज यहां क्या होगा। नया खेल, सांप सीढ़ी जैसा। जो इस घर में सबसे पहले पहुंचेगा उसे मेरी बनाई हुई स्पेशल ड्रिंक पीनी पड़ेगी। सांप सीढ़ी का खेल दिखाने के लिए बुलाया मुझे यहां पर? तुम्हें यह खुशखबरी देने के लिए कि मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए। डेनमार्क में जाकर रहूंगा। तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी पिछली बार कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया था। अब भी कुछ बिगाड़ सकते हो मेरा? वो तो कोर्ट ने छोड़ा था, मैंने नहीं। एसीबी प्रद्युमन दूसरा मौका कभी भी किसी को देता नहीं। कल सुबह ये परिंदा उड़ जाएगा। अगर मैं तुम्हारी सुबह होने दूंगा तो ना। चल मेरी धन्नो। राकेश, चलो भाई चलो, घर के सबसे करीब तुम ही हो। यस राकेश, सात 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 सात। ये तीन चार पांच छह। मुबारक हो राकेश, उस ड्रिंक के पहले हकदार तुम हुए।
लो राकेश, द बेस्ट ड्रिंक पियो और उसके बाद डांस ऑन फायर। अरे पियो पियो पियो। राकेश, ये कैसा मजाक है? हाँ? अरे परेशान मत होइए, वो आ जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा एसीपी साहब। चलिए गेम आगे शुरू करते हैं। आ जाओ राकेश, आ जाओ, आ जाओ। राकेश ठीक हो ना तुम? यस यार विजय, ये क्या पिला दिया यार, पूरी आग लग गई जिस्म में। आप पता चला ना आग पर कैसा होता है डांस। ए डाइस कहाँ है? ये क्या? ये तो गया। विजय, तुम तो पूरे के पूरे घर के अंदर घुस गए, अब बाहर कैसे निकलोगे? बाहर एक ही तरीके से निकल सकते हो, मेरा बनाया हुआ ड्रिंक पीकर। इस बार तो मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा, पियोगे ना मेरा स्पेशल ड्रिंक चंपा चमेली? ड्रिंक तो वैसे ही बनेगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ड्रिंक विजय जैसा नहीं बनेगा, मेरा बनाया हुआ स्पेशल ड्रिंक। दारू पीने वाला था कि दारू में नहाने वाला था? ये दारू की बू से तुम्हारा दिमाग चकरा गया लगता है। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए 50 तरीके की दारू है, पता नहीं कौन सी पी करके मर गया ये। अरे इन लोगों ने भी तो वो दारू पी होगी ना, ये क्यों नहीं मरे? अब सर हमने दारू नहीं पी सर। सुन लिया, इन्होंने दारू पी ही नहीं पर आपने दारू में चोंच डाल रखी है। हाँ तो डालूंगा ही ना सर, जो चीज सामने होगी उसी में चोंच डालूंगा ना। तो यहाँ पे अगर गोबर रखा होता तो गोबर में भी नाक डाल देता? हाँ डाल देता सर, गोबर में भी अपनी नाक डाल देता। और कर क्या रहा हूँ मैं इतने बरसों से सीआईडी में सर? अरे पूछ सकते है ना, पूछताछ कर सकते है, दिमाग क्यों नहीं लगाते? दिमाग लगाओ। दिमाग दिमाग लगाने के लिए ये है ना सर आपके होनार। अच्छा ठीक है यार, ठीक है। पिया क्या इसने? सर मैं ड्रिंक पी थी सर। ड्रिंक पी थी? ये कह रही है दारू नहीं पी और आप कह रहे हैं कि दारू नहीं थी सर। तो फिर कह रहा हूँ ना सर, इसमें से कुछ पिया है इसने। इसमें से? देखो। नहीं सर, नहीं। अरे था क्या इसमें है? सर सर बहुत कुछ था इसमें। क्या बहुत कुछ? एसीपी साहब को मालूम है सर। उनको क्यों? इन्होंने ही बनाया था ये ड्रिंक। ओ, ओ, ओ। एक आदमी को ऊपर पहुंचा के चुपचाप खड़े हुए कोने में। मैंने किसी को ऊपर ऊपर नहीं पहुंचाया सर। सब पीते ही मर गया सर। हाँ। सुना? हाँ सुना। तो
क्या था इसमें? अरे सर, इसमें बहुत सारी चीजें थी, आप नहीं समझोगे। प्रद्युमन, तुम तो दारू से मेलो दूर रहते हो, तो तुम्हें कब से शौक लग गया ये? कब से बनाने लगे ड्रिंक? कॉलेज के जमाने से। अरे कॉलेज में ही पी रहे थे? मगर मैंने तो तुम्हें वहां कभी टून देखा नहीं। क्योंकि सर, मैंने आज तक शराब को छुआ तक नहीं है और ना कभी छुआ था। हाँ, ये बात सच है कि कॉलेज के जमाने में हम मजा करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ। दोस्तों का बड़ा ग्रुप था हमारा, लड़के थे, लड़कियां थी। उस वक्त आप मोटी मोटी किताबें लेकर कॉलेज में घुमा करते थे। बंधु क्या बोला भाई साहब? कॉलेज में हाथ में किताबें नहीं होंगी तो क्या होगा? सर, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए किताबों के साथ साथ और भी सारी बातें सीखनी पड़ती है। जैसे ये, किसी आदमी को चुपके से ऊपर कैसे भेजना है, इसकी नॉलेज तुम्हें है प्रद्युमन? किस डहर से कब घंटे बजते ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है मुझे। फिर? लेकिन मैंने इसे नहीं मारा। हमने भी नहीं मारा सर। तो क्या मैंने मारा? तुम लोग बैठे थे ना इसके साथ में, तुम लोग पी रहे थे ना, तो क्या पिया इसने? चंपा चमेली। चंपा चमेली? मेरी मजाक उड़ा रहा? अरे नहीं सर, यही नाम दिया था एसीपी साहब ने इस ड्रिंक को। मैंने तो आज तक ये नाम सुना ही नहीं। मैंने भी नहीं सुना। भैया ये चंपा चमेली क्या है बता देना। अरे चंपा चमेली नाम मैंने ऐसे ही रख दिया था सर। अरे पर ये है क्या, बना के दिखाओ ना। क्यों क्यों बनाऊं मैं? क्योंकि ये आदमी क्या पी के मरा है ये पता चलना ही चाहिए। अरे आपकी खोपड़ी उल्टी है, समझे आप? एक नंबर के उल्टे। एक मिनट, क्या बोला क्या बोला? आप ऐसे मानोगे नहीं है ना? नहीं, देखे बिना मानूंगा ही नहीं। तो ठीक है सर। सर, सर आपकी इस चंपा चमेली में जहर है सर। यार तू भी पागल हो गया है। प्रद्युमन, बिल्कुल वैसा ही ग्लास है ना। क्यों अब सूंघ लीजिए, सूंघ लीजिए। डालूं क्या? हाँ सूंघो। मैं? हाँ और कौन? अच्छा सूंघो ले भैया। ठीक है सर। ठीक है तो लाओ। ग्रीन बेरी, ब्लूबेरी जूस, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट, अ डैश ऑफ लाइम, नींबू हमारा अपना। मालूम है नींबू क्या होता है? जटार। बंदा है होशियार, डैश ऑफ दिस, डैश ऑफ दैट, मेरे को इंप्रेस करने में लगा हुआ है। टार्टर क्रीम, इससे क्या होने वाला है? क्या घुमाया जा रहा है? ये लीजिए सर, हो गया चंपा चमेली तैयार। अरे सूंघ के तो देखिए। क्यों चित्रोली साहब, है ना बिल्कुल चंपा चमेली? है तो सही, मगर ये पी के मर गया? ऐसा ये लोग कह रहे सर, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर तो पी के देखना पड़ेगा। पीना पड़ेगा। नहीं सर, इसमें ड्रैगन फ्रूट है, पीना मत। बिना पिए पता कैसे चलेगा साड़ू के? सर, एसीपी सर ने उसमें और भी कुछ मिलाया था। क्या मिलाया था सर? वो जो बॉक्स है ना, उसमें कुछ है सर। सर इस बॉक्स में कुछ नहीं है, ये विजय ने कुछ लाया था वही है इसमें। क्या है बॉक्स में? सर इसमें मदागस्कर चिली डाली थी मैंने। सर तीन बार घुमाया भी था सर। हाँ तीन बार घुमाया था, लेकिन मदागस्कर चिली है सर ये। चलो सर मेरी बात मानो, ये मदागस्कर चिली है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। घुमाओ तीन बार। यहाँ हुआ क्या है वो पता चलना चाहिए। सर आप कह रहे इसलिए डाल रहा हूं मदागस्कर चिली,
इसके बाद में जो कुछ भी होगा उसे मैं जिम्मेदार नहीं। चलो ठीक है सर, तो स्पेशल ड्रिंक में आपके लिए हम मदागास्कर चिली भी डालेंगे। ये लीजिए सर, तुम्हारे लिए दो बार और घुमाऊंगा सर। लाओ। लीजिए सर, चंपा चमेली तैयार। मैं देखता हूँ ये है क्या। नहीं नहीं सर, सर मत पीजिए। तो पता कैसे चलेगा मरा कैसे हो? ये जूस से कोई मर सकता है क्या? हैं? नहीं सर। सर 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 प्लीज। सर एक आदमी मर चुका है इसको पीके। नहीं सर नहीं सर सर मेरा गैस का सर एक आदमी मर चुका है इसकी वजह से सर नहीं नहीं सर सर मेरा गैस का चलिए सर मत पीजिए सर। अब पता चलेगा आटे दाल का भाव। ओके सर। ये क्या हुआ सर? ठीक है आप सर सब क्या फिरा दिया? सर ये क्या हो गया? सर जी मर गए। जोर से मत बोलो, सुन लेंगे। सर कैसे सुन लेंगे? ये तो गए। ऐसे जाने वाले नहीं है ये। सर सर सर, दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची मदागास्कर चिली डाली है मैंने इनके ड्रिंक में, फिर भी मैं मरा नहीं। देखा देखा, चलिए उठिए सर उठिए। और एक दो बार मैं घुमा देता तो पता नहीं क्या हो जाता है। रघुमन, तुम्हारे इस चंपा चमेली से तो ये विजय मरा नहीं है, तुमने जरूर कुछ और मिलाया होगा इसके। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं मिलाया था, बस याद करो। हाँ, पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते? हाँ पुदीने के पत्ते। मगर पुदीने के पत्ते तुमने मेरे ड्रिंक में तो मिलाए नहीं। एग्जैक्टली सर, पुदीने के पत्ते ही तो सीक्रेट है उस चंपा चमेली ड्रिंक के। पुदीने के पत्ते मैंने, पुदीने के पत्ते, क्या नाम है तुम्हारा? रघु। रघु, पुदीने के पत्ते चाहिए मुझे। यस सर। रघु रघु, मैंने तुम्हें कहा था ना पुदीने के पत्ते लाने के लिए। मगर सर मैं तो मैं पुदीने के पत्ते लेके आती हूँ, वैसे भी मैं खड़े खड़े सो जाऊंगी यहाँ पे। हाँ जस्ट गिव मी अ मिनट। माया, तो माया ने कहा कि मैं जाकर लेके आती हूँ। हाँ ये माया ही गई थी पुदीने के पत्ते लाने के लिए। माया माया इधर आओ। इधर माया, कहाँ से लेके आई थी पुदीने के पत्ते? वो कहाँ से लाए थे? वो झूठ झूठ नहीं बोलना सर। पुदीने के पत्ते गार्डन गार्डन से लाए थे मैंने। यही सर। वहां से कहाँ से, कहाँ से लाई थी तुम मिंट के पत्ते? जहर भरे पत्ते। हाँ हाँ सर, वही जहर के पत्ते। सर वो इनके पत्ते दिखाई नहीं दे रहे सर। बस
मैं देखता हूं। बॉस मिल गए। ये देखो बॉस, ये रहे मिंट के पत्ते। लगता है ये पत्ते जहर भरे हैं। देखा, जहर यहां से आया है। और ये देखिए सर, ये मशरूम उगाए हैं यहां पर। ये मशरूम जहर भरे हैं, यहीं से जहर आया है इन पत्तों में। ओ, तो ये माया लाई थी जहर। मुझे कुछ हो रहा है। माया, 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 मुझे कुछ हो रहा है। माया, अरे संभालो अपना कॉल। माया, माया, सर ये तो गई बेहोश हो गई है। इसे हॉस्पिटल ले जा और इस पर कड़ी नजर रखो। सर। जरा बढ़ देना। ये देखो बस सारंखे, अब जल्दी से जल्दी मुझे बता कि मिंट के पत्तों में और मशरूम में जहर है कि नहीं। संभालो अपने आप को, संभालो रोहिणी। अरे रोहिणी संभालो। मेरे भाई की मौत मेरे आंखों के सामने हो गई और तुम कह रहे हो कि मैं संभालो अपने आप को। उन्हीं को कौन कर सकता है रोहिणी? ये आपका भाई था? जी सर। सो सैड, सो सैड। आंखों के सामने भाई की मौत हो गई। ये ड्रिंक बनाई तो एसीपी साहब ने, मगर विजय को पिलाई किसने? हैं? पिलाई किसने? किसने पिलाई थी? हमने नहीं पिलाई सर, हमने नहीं पिलाई थी। फिर किसने? सर, इन्होंने पिलाई थी। अरे नहीं सर मैं क्यों सर? आप ही ने तो पिलाई थी और आप ही तो उसे हिला रहे थे। सर ये झूठ बोल रही है। सर ये पैसों के चक्कर में विजय के पीछे पीछे खुद घुमा करती थी। क्या घुमा रहे थे? सर उसे हिला भी रहे थे स्टरर से। हो गया चंपा चमेली तैयार। हाँ सालों के सर क्या हो गया? आप ऐसे डांस क्यों कर रहे हो? मेरी शादी होने वाली है इसलिए। शादी में ऐसे डांस थोड़ी करता है। समझिए मैं देख रहा है, मैं पेट दबा रहा हूं, कथक कर रहा हूं और फिर भी पूछ रहा है कि क्या हो रहा है। सर लगता है आपके पेट में दर्द हो रहा है। हाँ हो रहा है, और भी कुछ हो रहा है। और क्या हो रहा है सर? काले बादल गरजने की आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही सर। नहीं ना। सालू के पे टॉयलेट है ना? है ना सर। ये एसीपी ने बदला लिया समझे ना? 3 बार बेड से घुमाई उसने, देखा था ना? हाँ हाँ सर। मगर मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। एसीपी ने कौन सा जहर पिला के मारा ये मैं पता लगा के। लगा के ही रहूंगा। सर आप ऑफिस चले जाइए ना सर। यार मेरा ऑफिस टॉयलेट में ही खुल गया है। सर चेयर। सर नो, चेयर नहीं। चेयर पे बैठा और मरा। चेयर पे नहीं बैठ सकता। वो
मशरूम में और मिंट के पत्तों में जहर मिला ना? नहीं सर, उनमें जहर नहीं है सर, ना तो मशरूम में जहर है और ना ही मिंट के पत्तों में। फंसने मत देना एसीपी को। सर इसमें एसीपी कहां से बीच में आ गया सर, जहर नहीं है तो नहीं है सर। अरे उसके पैर में जाकर लेट जाओ, पूजा कर उसकी। देखो सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, आप अच्छी तरह से जानते हो मेरा बाप भी गुनहगार होगा तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा सर। ठोके जा अपनी पीठ अपने आप। याद रखना ये डीसीपी चित्रोल है ना ऐसा बिच्छू है कि जाएगा नहीं यहां से। ऐसा ऐसा काटेगा ना कि याद रखेगा। संजय मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूरे चित्रोले होता है। इसमें तो मिलेगा कुछ। याद आया शालू के साथ क्या है सर? ये वो स्टरर है जिस पे जहर लगा हुआ है, इसके पहले कि वो इसे गायब कर देता मैं अपने साथ ही ले आया। अगर सर इसमें जहर है कि नहीं? इसमें जहर है। अगर जहर यहाँ से नहीं आया तो कहाँ से आया? कोई टेंशन की बात नहीं है, ज्यादा पीने की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है। तो क्या इन्हें मैं अभी अपने साथ ले जा सकती हूँ? नहीं फिलहाल नहीं ले जा सकते, उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। क्या है तेरी जेब में? कुछ नहीं मैम। निकालता है या लगाऊं एक थप्पड़? निकाल। मेरे घर के ड्राइंग रूम में जो ड्रैगन वाली पेंटिंग लगी है उसके पीछे एक लेटर है। सीआईडी के आने से पहले उस लेटर को फाड़ के जला देना। तुम आया के घर जाने वाला था जी, उनके सर्वेंट को लेटर देना था। है क्या उस लेटर में? घर की तलाशी लो, देखो यहाँ किस पेंटिंग में ड्रैगन है। राकेश खारमाशिया? क्या खारा मछिया? अरे खारमाशिया, ठीक है, थैंक यू। डीसीपी चित्रोले यहां से एक स्टरर उठाकर भागे थे है ना, और वो स्टरर उन्हें यहां से मिला। जी सर। राकेश मैंने जब ड्रिंक बनाई तो ड्रिंक तुमने मेरे हाथ से ली और उसमें स्टरर हिलाया था। हिला था या नहीं? सर मैं तो सर मैं के बच्चे 10 साल जेल में थे ना तुम? हाँ सर। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है राकेश, 10 साल जेल में बैठकर अंदर ही अंदर उबल रहे थे तुम कि कब मैं विजय को मार डालूंगा। हाँ सर हाँ। अच्छा वो बदमाश धोखेबाज मर गया, आज मेरे दिल को ठंडक पड़ी है। सर वो मेरा दोस्त था, उसकी वजह से 10 साल जेल में काटे हैं मैंने।
पार्टनर था मेरा, दोस्त बनके दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा उसने। देखो देखो ये सब क्या है? क्या हो गया राकेश, इतने परेशान क्यों? और ये सब तोड़फोड़? 5 क्लाइंट्स का कंप्लेंट आया है, उनको जो हमने एंटीक मूर्तियां सप्लाई करी थी वो सब नकली निकली। अब 5 क्लाइंट्स कंप्लेंट करेंगे तो तुमको तो जेल जाना पड़ेगा राकेश। मैं क्यों जेल जाऊंगा? मेरे पार्टनर हो तुम भी मेरे साथ जेल जाओगे। हम लोग पार्टनर्स थे राकेश, अब नहीं है, वो पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। अब इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। विजय, चीटर, बेईमान, तुझे भी लेकर जाऊंगा मैं अपने साथ। ये मत सोचना विजय कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। और इसीलिए तुमने बदला ले लिया उससे? हाँ, तुम में से किसी ने जहर पिलाया है, या तो तुमने, या फिर इन 3 देवियों ने, या फिर रोहिणी ने। भाई था वो मेरा भाई। या तो माया। चलो आइए आइए माया जी आइए। क्या जाल फैला था इसने? सर, इसके घर से हमें ये लेटर मिला। मैं विजय टोंकी अपनी ही इच्छा से आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी मौत का सिवाय मेरे और कोई जिम्मेदार नहीं है। विजय टोंकी। विजय की आत्महत्या की चिट्ठी, और वो भी माया के पास? हाँ सर, ये तो चिट्ठी को गायब कर देने वाली थी, हमने पकड़ लिया। हाँ, विजय को खत्म करने के बाद ये लोग उसकी लाश के पास ये चिट्ठी रखने वाले थे। तुम एक और फिल्म कर रही हो और मैंने हाँ कर दी है। लेकिन सर, आप तो जानते हैं कि मेरे पास डेट्स बिल्कुल भी नहीं है। देखो माया, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, और हाँ सुने बगैर मैं मानता नहीं हूँ। I'm sorry, I really can't do that. मैं ये फिल्म नहीं कर सकती सर, I'm sorry. ठीक है, अब तुमको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम सॉरी महसूस करोगी। पैकअप, अरे पैकअप करो, पैकअप। सर, लेकिन क्यों सर, अभी तो शूट बाकी है और आप इतनी जल्दी पैकअप क्यों कर रहे हैं? अरे रे रे, हो गई शूटिंग और आगे शूटिंग होगी भी नहीं। सही, मेरा लेटेस्ट फोटोशूट है। अरे माया जी, आपको इन सब की क्या जरूरत है? सब जानते हैं कि आप कितनी टैलेंटेड हैं और कितने फैन हैं आपके। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। यस श्योर। हाँ विजय जी, बोलो। ओके जी, हो जाएगा। सर तो फिर मैं ये रोल पक्का समझूं? इस फिल्म में तो नहीं, ऑलमोस्ट मेरी कास्टिंग हो चुकी है, लेकिन ये मेरा वादा है कि अगली फिल्म में आपको बहुत अच्छा काम दूंगा। हेलो रेणुका, कैसे हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आइए बेटी। थैंक यू। ये माया क्यों आई थी यहाँ पर? उसको नहीं पता क्या कि उसका टाइम गया? क्या बचा क्या है अभी उसके पास? फिर भी मैं उस पर मेहरबानी करके उसे एक अच्छा रोल दे सकता था, लेकिन वो अपना फाइनेंसर है ना विजय। हाँ। अभी उसका कॉल आया, उसने मुझसे कहा कि माया को कोई रोल मत देना। तुम सबको अब जादू दिखाता हूं। सचिन सर, राकेश की तलाशी लो। सर मेरी, सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर, कुछ नहीं है मेरे पास। सीधे खड़े रहिए।
सर मैंने क्या किया है सर? सर कुछ नहीं है मेरा, सर मोबाइल है मेरा। सर डाइस पासा डाइस। इसके साथ दूसरा जो डाइस है वो मेरे पास है। ये दोनों पासे जब विजय नीचे गिरा तो मेरे हाथ में आ गए, और इसमें से एक डाइस नीचे गिरा, राकेश ने देख लिया। विक्रम जरा कोई टेबल लेकर आना, अब देखिए असली जादू। पहली बारी तुम्हारी, जल्दी आओ। छह और छह बारह, जाइए अपनी जगह पर। आइए राकेश जी अब तुम्हारी बारी है, चलिए जल्दी 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 खेलिए। छह और छह बारह, इस बार भी छह और छह बारह है ना जादू। जब विजय की बारी आई पासे डालने की, तब माया ने पासे चुपके से बदल दिए। ये पासे विजय को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बारह 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 देते गए, और विजय एक झटके में घर में पहुंच गया। अब जब वो घर में पहुंच गया तो उसे मेरे हाथ का बनाया हुआ ड्रिंक पीना पड़ा। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, मगर मेरे ड्रिंक में राकेश ने स्टरर घुमा दिया। बोल सांखे क्या खबर है? स्टरर पर जहर नहीं है, दूसरी बात चित्रोली साहब की तबीयत कैसी है? चल ठीक है, राकेश ने ड्रिंक में स्टरर घुमाने के बाद वो ड्रिंक माया को दी, और माया जी ने क्या किया है? अपने कोनी पर लगाया हुआ बैंडेड नाटक करके उस ड्रिंक में डुबा दिया। नहीं सर, बैंडेज में लगा था जहर। सर बैंडेज गायब है। बैंडेज नहीं है सर, जहर नहीं था सर, नहीं था सर, जहर नहीं था, जहर नहीं था बैंडेज में। अगर माया के हाथ पर बंधे बैंडेज में जहर नहीं था तो फिर जहर कहां था? कहीं से तो जहर आया था ना, विजय के ड्रिंक में कहीं से तो आया था। क्यों रघु? बाबा कहां है? सीधा खड़ा। क्यों रघु? सर फिचे ने मेरे बाप को जेल में भिजवा दिया था चोरी के इल्जाम में, और वो वहां जाकर पागल हो गया। मतलब तुम्हारे पास भी वजह थी विजय को मारने की, है ना? तो फिर बताओ कहां से आया जहर, कहां से आया जहर? श्रेया जरा रोहिणी का दाहिना हाथ पकड़ो। नहीं, नो, नो, मैं नहीं। चुपचाप चलो। अरे मैं क्या?
क्यों? मैंने क्या किया? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। कुछ नहीं किया मैंने, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। देखा, जहर इसमें से आया था, रोहिणी की अंगूठी में से। तुमने 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 और तुमने चारों ने पक्का प्लान बनाया था विजय को मारने का, मगर तुम्हारी बदकिस्मती की विजय ने एसीपी प्रद्युमन को पार्टी में बुला लिया। मुझे देखकर तुम चारों के चारों सकपका गए, मगर करोगे क्या? किसी भी हालत में विजय को तो मारना ही था, क्यों सुबह होने से पहले विजय देश छोड़कर भागने वाला था। तो जब ड्रिंक का ग्लास रोहिणी के हाथ में आया तो रोहिणी ने अपनी अंगूठी का मुंह नीचे कर दिया ड्रिंक के ऊपर। अंगूठी के अंदर जो जहर था वो ड्रिंक के अंदर आ गया। रोहिणी ने अंगूठी का मुंह बंद कर दिया, सीधे कर दिया और फिर जाकर चुपचाप बैठ गई। अपने ही भाई को मार डाला तुमने। भाई नहीं था वो, जल्लाद था। ओफो राकेश, तुम जाओ अब। अगर अगर भैया आ गए ना तो आफत हो जाएगी। आने दो उसे, मैं उससे डरता थोड़ी हूँ। अच्छा, तो क्या कहोगे उनसे? वही जो मैं तुमसे कहता हूँ। मैं कहूंगा कि मैं रोहिणी से प्यार करता हूँ। एक्चुअली ना भैया तुम्हें पसंद करते हैं, नहीं तो तुम उनके बिजनेस पार्टनर थोड़े ना होते। इसीलिए मुझे लगता है कि वो हमें लाइफ पार्टनर भी बनने देगा। हाँ? मना नहीं करेगा वो। राकेश, तुम यहाँ मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? हार गए यू भैया। अरे विजय, वो हम तुम्हें बताने ही वाले थे। एक्चुअली मैं रोहिणी से प्यार करता हूँ। शट अप, ये प्यार व्यार की बकवास किसी और को जाकर सुनाना। भैया मैं भी प्यार करती हूँ उनसे। शट अप, तुम अंदर जाओ। विजय, एक्चुअली हम लोग शादी करना चाहते हैं यार, इसमें कोई ऐसी गलत बात। चलो तुम निकलो यहाँ से, शादी वादी मैं करवाता हूँ तुम्हारी। तुम अंदर चलो। जे तुम निकलो यहाँ से, आई से गेट आउट। भैया मैं बहुत प्यार करती हूँ राकेश से। मैं वॉचमैन को बुला के धक्के मार के निकलवा दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। नहीं भैया, निकलो भैया, तुम अंदर। अंदर भैया, उसने मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी भी हथिया ली थी, क्या करती मैं? अरे प्रद्युमन सर, अरे आई एम सो सॉरी यार, फिर से आ गए नीचे, अचानक भागना पड़ा यार, आई एम सो सॉरी यार। सर लेकिन कहाँ गए थे आप? सर मार डालूंगी मैं। ए, नहीं, ए, गोलियां भर तो लो कान में। गोलियां तुम्हारे पास है? मैं क्या करूं, माफ करना, गलती हो गई मेरे से। मैंने बिना आपसे पूछे आपके बैग में हाथ डाल दिया, जैसे गन देखी मैं तो डर गया, भाग गया ऐसे फौरन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.